गाइस जब भी आप ये गेम खेलेंगे फोर्जा हॉरिजन या फिर कोई भी आप गेम ओपन करेंगे तो आपके पास में ये ग्राफिक कार्ड्स का जो है एरर आएगा कि योर ग्राफिक कार्ड इज़ ओल्डर देन द मिनिमम सपोर्टेड वर्जन। ठीक है, अगर आपके पास में एनवीडिया जी फोर्स का ग्राफिक कार्ड है तो ये एरर आ सकते हैं, या फिर एएमडी में भी आ सकते हैं। तो आपको अपने जो जी ग्राफिक कार्ड है वो अपडेट करना पड़ेगा। तो जी फोर्स के लिए मैं बता देता हूँ, जिनके पास एनवीडिया का है उनको सीधा जाना है जी फोर्स पे, जी फोर एक्सपीरियंस पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपको जैसे ये होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे गेम्स, लेकिन इसमें से कोई भी प्ले नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको जाना है ड्राइवर्स पे। ड्राइवर्स पे जाने के बाद में यहाँ पर नीचे दिखाएगा कि करंटली इंस्टॉल्ड, मतलब मेरे पास जो वर्जन है वो 462 है, जो कि इस गेम में भी यहाँ पे दिखा रहा है। एरर मैसेज में आप देख रहे होंगे 462 है, बट गेम एक्सपेक्ट 496। ठीक है, और ऊपर दिखा रहा है कि अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए 497 का ग्राफिक कार्ड। ठीक है, मैंने यहाँ से अपडेट कर लिया था। अपडेट करने के बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आपके पास में जी फोर्स एक्सपीरियंस ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको क्या करना है, एनवीडिया की वेबसाइट पे जाना है। एनवीडिया की वेबसाइट पे मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, एनवीडिया की वेबसाइट पे जा करके इस ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से 124 MB का होगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद में ये इस तरीके से आइकन यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे जो भी आपके जी फोर्स ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पर ड्राइवर्स में मिल जाएंगे। अभी करंटली ये वाला इंस्टॉल्ड था, लेकिन अभी मैंने जो इसको अपडेट कर लिया है इस वाले को, अभी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर चला करके देखते हैं गेम को चलेगी या नहीं। ठीक है, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तब तक के लिए इस गेम में जो एरर आ रहा था मैं इसको क्विट कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद में गाइज आपके पास में यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा रिस्टार्ट करने के लिए। तो जब तक हम इस सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज आपको करना है क्या, यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है, उसके बाद इसको गेम को देख लेते हैं एक बार प्ले करके। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं गेम प्ले हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और कमेंट जरूर करके बताएं।